आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। ओए ओए स्केलेटन, ओ छुप जा छुप जा छुप जा रैंपेज। सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल हनी इंडियन गेमिंग पर, और मैं हूँ हनी। और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज हम अपने माइनक्राफ्ट का दूसरा एपिसोड करेंगे। तो अगर पहला वाला नहीं देखा है तो जाके यार अभी जाके देख के आओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और आगे माइनक्राफ्ट के बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे से आगे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हमारी बनाई हुई दुनिया में कमलेश भी नहीं। अच्छा अच्छा आ गया आ गया। तो हम हमारी बनाई हुई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। प्रवेश अब आ गया वर्ड। तो बस वहीं से शुरू कर रहे हैं हम जहाँ से पिछली बार छोड़ा था कि हम। तो आज का हमारा टास्क है कि हमें एक घर बनाना है इसमें। तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, उसमें भी पता चला कि यार माइनक्राफ्ट में घर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मुझे भी पता ही है यार, वो रात को ज़ॉम्बी आते हैं और स्केलेटन आते हैं, उन सबसे बचने के लिए भी एक घर बनाना ज़रूरी है। तो आज हमारा टास्क है हमें एक अच्छा सा घर बनाना है। और ये देखो राम प्यारी अपनी यहीं खड़ी है बिल्कुल। तो इधर से तोड़ना शुरू करते हैं। तोड़ो। आज तो तोड़ने फोड़ने में पूरा टाइम लग जाएगा इसमें। बेसिकली आज हमें बस इसमें तोड़ फोड़ ही करनी है और कुछ नहीं करना। इसको तोड़ता हूँ। राम प्यारी तू कहीं भागना मत, बस इधर ही खड़ी रहना। पता है कल राम प्यारी मुझे छोड़ के जा रही थी, जो पिछला एपिसोड था ना, वो देखा नहीं ना आपने। अगर देखा नहीं हो तो अभी जाके देख के आओ। तो राम प्यारी छोड़ के भागने वाली थी मुझे, लेकिन उसको पकड़ लिया, बांधना पड़ गया। और फिर घर के अंदर अब बेचारी बंद पड़ी है। इधर खिड़की पे लगाने के लिए कांच नहीं है मेरे पास, कांच लगाना पड़ेगा। नहीं तो इधर से भी कोई स्केलेटन वो जो होता है वो तीर कमांड लेके आता है, तो वो उसको ठोक सकता है, मतलब अपने को ठोक सकता है। इसको तो क्या ठोकेगा, ये तो जिंदा रखे भी क्या करेगी, बाकी काम बहुत आएगी ये। तो इधर नीचे सीढ़ियाँ लगा दी थी मैंने, तो ये सीढ़ियों से भी तोड़ना शुरू करते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि इधर एक सीक्रेट डोर बनाऊं, लेकिन वो बनता कैसे मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन देख लूँगा कहीं ना कहीं तो यार ट्यूटोरियल देख ही लूँगा। प्यूडीएफआई बाबा किस लिए बैठे हैं, तो देखते हैं अपन। तो इधर ये और तोड़ो, ऊपर से नीचे से, ऊपर कोल वाला है शायद, और तोड़ो। चलो भैया कुछ है क्या लगाने के लिए मेरे पास, कुछ नहीं है। ओए ओए ये तो ये आ गया, तोड़ू नहीं तोड़ू। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे गेट लगा देता हूँ। गेट लगाने से क्या हो जाएगा कि अगर ऊपर से अगर कोई घुस गया तो आराम से नीचे से इधर से भाग सकते हैं, भागने में आसानी होगी बहुत। तो ऊपर चलो वापस, ऊपर अपनी छत पे बहुत सारा है, तो इसको भी मैं सोच रहा हूँ छत को भी एक तो ऊपर करना ही पड़ेगा। और सामने भी इसमें सीढ़ियों के नीचे भी कमरे लगाते हैं, और सीढ़ियाँ चौड़ी कर देता हूँ पहले जितना कि फ़ायदा रहेगा। तो ये सीढ़ियाँ चौड़ी हो चुकी है, और इधर से हम बाहर जा सकते हैं और वापस अंदर भी आ सकते हैं। मुझे अंदर लो बाहर नहीं। तो इधर से आ गए हम, वापस ऊपर चलते हैं। और ये ऊपर देखो, ऊपर कोल है बहुत सारा, तो इसको भी तोड़ूंगा मैं। इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि एक एक फ्लोर ऊपर और हो जाएगा। और मैं क्या सोच रहा हूँ, अंडरग्राउंड में बहुत सारे वो क्या बोलते हैं उसको, बेसमेंट बनाएंगे अपन। तो इधर शायद एंड आ जाएगा, इधर तो खुल जाएगा ये पूरा मिट्टी हटती। इधर भी कुछ ना कुछ लगाएंगे, हट जा मिट्टी हट जा। अब क्या बच रहा है, ये सामने की तरफ भी अपन एक कमरा बनाए। बताओ यार बनाऊँ नहीं बनाऊँ। इधर भी तोड़ते हैं ताकि कोई आ नहीं पाएगा डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली आने आके करेगा। ओए ओए स्केलेटन, ओ छुप जा रैंपेरी छुप जा। ये जॉम्बी तो कुछ नहीं कर पाएगा स्केलेटन के पास। अभी आपने देखा उसने ये तीर मारा, ये देखो यार रैंपेरी हट जा। वो देखो वो दिख रहा है तीर सामने बिल्कुल, वो तीर मारा उसने, वो अंदर तक भी मार सकता है। बाहर जाने की मैं कोशिश बिल्कुल ही नहीं करूँगा, मेरा मन कह रहा है कि बाहर जा, लेकिन बाहर जाने की कोशिश नहीं करूँगा मैं। नहीं तो गारंटी मैं मर जाऊँगा, खेलना तो आता नहीं मुझे तो कुछ खास। अभी तो दूसरा एपिसोड है ये, मेरी पिकेक्स टूट गई है, दूसरी बनानी पड़ेगी अब शायद, एक तो जा चुकी। राम प्यारी तू बना दे। भागो, बच गया। स्केलेटन चला जा, मैं नहीं हूँ अंदर, नहीं हूँ मैं, भाग जाए यहाँ से। गया क्या, शायद गया।
इधर मेरी क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ मैं। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ है? ये रही। तो इधर मेरी क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं अभी अपना पिकेक्स और मुझे वो तलवार, अपने स्वॉर्ड और वो सब बनाना है, तो उसके लिए लगा देते हैं अपन। ये हो गई पिकेक्स, ग्रेवल, ये एक और पिकेक्स बना के रख लेता हूँ एक्स्ट्रा में काम आ जाए तो। ये हो बना देते हैं, इससे हम खेती कर सकते हैं। और ये स्टोन स्वॉर्ड, ये मेन है, इसे हम टप सबको टपका सकते हैं। तो अभी मैं और कुछ इतना कुछ खास बना नहीं सकता, फर्नेस बना लेता हूँ ताकि कुछ भी सामान वामान पकाना हो तो यहाँ पर पका सकते हैं। तो फर्नेस लग जा, कुछ पकाते हैं इस पे, देखता हूँ कैसे पकाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये भाई ना चाहते हुए भी खाना पड़ेगा यार। पक जा 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 पक जा। अरे मैं समझ गया समझ गया यार, पकाने के लिए आग की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, कम से कम आग तो लाएँ पहले जाके। पहले आग लानी पड़ेगी, अब आग लाने के लिए मैं इतनी मेहनत तो करूँगा नहीं, आपको पता है मैं मेहनत तो करने वाला हूँ नहीं। तो चलो एक बार बाहर चलते हैं, तो मेरी स्वॉर्ड लेके जाऊँगा ताकि कोई आए ना। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाता हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर चला गया और कोई ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ गया तो मुझे वो कूद कूद के आना पड़ेगा और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा सीढ़ियाँ बना देता हूँ इधर। ये हो गई, ये हो गई। अरे कौन रोक रहा है, हट जा। तो यहाँ से आराम से अपन ऊपर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आके ऐसे गेट बंद कर लो। तो भाई लेकिन उधर स्केलेटन था, एक बार देख के आते हैं। स्केलेटन कहाँ है भाई? तू है नहीं ना? है तो पहले भाग जाना, नहीं तो मैं भाग जाऊँगा उल्टा पैर। नहीं है नहीं है, नहीं दिख रहा। अरे कौन रोक रहा है मुझे, हट जा। ये पत्तियाँ बहुत परेशान करती है यार, हट जाओ। चलो चलो चलो, कोई नहीं है, आराम से। ये अपना गेट आ गया इधर। तो भाई मेरा घर कहाँ है? अभी मैं इधर पता नहीं कहाँ घूमने आ गया था, मेरा मैंने सामान तो बहुत सारा कलेक्ट करा पर मेरा घर घूम गया। घर कहाँ है भाई मेरा? भाई मेरा घर कहाँ है? मेरा घर कोई दिला दो मुझे, कोई मुझे मेरा घर दिखा दो। अरे भैया मेरा घर कहाँ है, किसी को पता है क्या? अरे भैया मेरा घर बता दो कहाँ पे है। अरे भैया बता दो, मेरा घर नहीं मिल रहा है, मेरा घर घूम गया। मैं नहीं घूमा, घर घूम गया। ओ ये मिल गया मिल गया, घर मिल गया घर मिल गया घर मिल गया। भाई चल के छुप जाओ अंदर। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, अभी आपको बताता हूँ, रुको थोड़ी देर में, पहले ऊपर जाना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो मैं क्या सोच रहा था कि पहले ये सामान क्लियर करते हैं इधर का, फिर बताऊँगा। तो ये यहाँ पे, तो जैसे हम कहीं भी बाहर अगर एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं तो हम यार घर तो भूल जाएंगे कि घर कहाँ था मेरा। तो उसके लिए क्या अपन कोई साइंस बना देते हैं कि इतना ये यहाँ पे था मेरा घर। तो उसके लिए क्या मैं यहाँ पे, मेरे पास जितनी डर्ट है तो पूरा का पूरे डर्ट से मैं एक साइन बोर्ड, मतलब सिंपल सिंपल एक टावर खड़ा कर देता हूँ। तो उस टावर से हमें पता तो रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलो बनाते हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर। 2 hours later। तो गाइज आखिरकार सारी डर्ट मेरी ख़त्म हो चुकी है, तो अब वापस नीचे जाना पड़ेगा। नहीं तो इसलिए मैंने ये दो तरह के ब्लॉक्स लगाए ताकि आराम से नीचे जा सके, नहीं तो अगर यहाँ से कूदते तो हो जाता काम ख़त्म। चलो नीचे चलो चलो, ज़्यादा खुदाई भी नहीं करनी, गड़बड़ जाएगी। तो देखो ये बिल्कुल एकदम लंबा टावर हो गया, तो हम अब कहीं भी जाएँ ना, कितना भी दूर तक जाएँ तो अपने को साफ साफ ही दिखेगा टावर, तो आराम से अपने घर पर वापस आ सकते हैं अपन। चलो 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 चलो, चलते रहो भैया। अरे कहाँ गया मेरा घर? इधर होगा शायद। अब मुझे पता नहीं, अब ये जो साउंड आ रही है ना नीचे, ये जो म्यूजिक बजता है ये पता नहीं क्यों आता है, मुझे लगता है ये साउंड बस अपने को एक चीज़ बोलता है, पहली फुर्सत में निकल। तो इधर अपने घर पे आ गए हैं अपन। राम प्यारी अंदर ही रुक, बाहर मत जा, ज़ॉम्बी आने वाले हैं अभी, रुक जा। इसको भी कवर कर देते हैं ताकि वो, नहीं तो ऊपर से कोई ज़ॉम्बी आ सकता है। तो यार कांच के लिए अपने को कुछ कांच का इंतजाम करना पड़ेगा, ये हटाओ, कुछ कांच का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि बाहर तो देख सकें आराम से खुल के। वैसे ये तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तो अपना टेम्परेरी घर ही हुआ ना, अपन कोई अच्छा सा बड़ा सा आलिशान महल बनाएंगे यार, ऐसे थोड़ी रहेंगे ऐसे फालतू घर में। क्राफ्टिंग टेबल भी कुछ नहीं बना सकता मैं, अब क्या बच रहा है यार मेरे पास। तो गाइज हमारा आज का जो टास्क था वो तो हम पूरा कर ही चुके हैं, जैसे हमें ये घर बनाना था तो ये देखो घर बना ही दिया है। ये एक बार आपका टूर करवा देते हैं, बाहर से दिखाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं,
क्योंकि बाहर से कुछ देखेगा ही नहीं, आसपास पूरा झाड़ वाड़। तो ये देखो ऊपर ही अपन ने छत बना दी है। मैं क्या करूँगा, अगले पार्ट से पहले इस छत को भी एक एक ऊपर कर दूंगा, तो वो बेस्ट रहेगा ताकि आराम से जगह मिलेगी खड़े रहने के लिए। ये देखो नीचे अपन ने ये सीक्रेट डोर बनाया था, और यहाँ पे भी अपन थोड़ी सी कर सकते हैं कुछ भी चेंज वेंज, इसको भी मैं कुछ कर दूंगा यार अगले पार्ट तक। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे ये माइनक्राफ्ट के और पार्ट देख पाओ आप। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।